45 साल पहले शायद आप जन्मे भी नहीं थे और कैंपाकोला आपके लिए सिर्फ एक इतिहास था। समय था वो मध्य 70 के दशक का, जब भारत के पास सिर्फ 3.25 बिलियन डॉलर खजाने में रह गए थे। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी अभी अभी खत्म हो चुकी थी। अमर अकबर एंथनी उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और पर्दा है पर्दा विविध भारती के हर रेडियो स्टेशन में सुनाई देता था। पर्दा है, पर्दा है। इंदिरा गांधी चुनाव में हारी थी और भारत का पहला नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई चुने गए थे, लेकिन जाने के पहले इंदिरा एक ऐसा कानून पारित की जिससे हर फॉरेन कंपनी को अपने हिस्सेदारी 40% तक नीचे लाने की जरूरत थी। इंदिरा का कड़ा प्रतिद्वंदी जॉर्ज फर्नांडिस, मुरारजी का नया उद्योग मंत्री, उसी कानून के तहत मल्टीनेशनल्स के बाजू मुड़ाने लगा। या तो कोका कोला अपना फॉर्मूला शेयर करे या तो भारत छोड़ दे। वो छोड़ दिए IBM के साथ, जिस पर भी दबाव डाला गया अपनी टेक्नोलॉजी का खुलासा करना। अत्यंत ये हुआ कि कोला की मार्केट खुली थी, जिसमें कई भारतीय ब्रांड्स कैंपाकोला, थ्रिल और थम्स अप इस मौके का फायदा उठाने आए। कैंपाकोला दिल्ली के चरणजीत सिंह ने लॉन्च किया, जो कोक के बॉटलर पिछले 27 साल से रह चुके थे। एक वक्त उन्होंने 1983 में मैंने प्यार किया के हीरो सलमान खान को उनका पहला विज्ञापन दिया, जहां वो टाइगर श्रॉफ की माँ आयशा श्रॉफ के साथ अंडमान में यॉट पर शूट किया। विजय माल्या के मैकडॉनल्ड्स का थ्रिल पहला वो कोला था जो सबसे आगे निकल गया। अभिनेत्री रति अग्निहोत्री 1981 फिल्म एक दूजे के लिए की स्टार के कुछ मदद के जरिए। शेयर माय थ्रिल। थम्स अप मुंबई के रमेश चौहान, पार्ले बिस्लरी वाले ने 1977 में लॉन्च किया कोला के स्वाद में चटपटा नारंगी और ज्यादा फीस के साथ। थम्स अप ने अपना नाम जानबूझकर गलत डाला, क्योंकि पहली बात एक कानून था जो शब्दकोश के किसी भी शब्द को ब्रांड नाम नहीं रखने देता, और दूसरा क्योंकि वो बीट डिजाइन को खराब कर रहा था और टोपी पर सही बैठता भी नहीं था। थम्स अप का मजेदार पंचलाइन Happy days are here again का मतलब या तो भारत में कोला फिर से मिलने की खुशी में था कोक के जाने के बाद, या तो इमरजेंसी खत्म होने की खुशी में। ये भावना से तब की सरकार भी एक कोला निकाली 77, जो इशारे से उनकी जीत साल 1977 पर संकेत कर रहा था। हालांकि उस समय कोला शहरों का ड्रिंक था और लोग कोला सिर्फ खास अवसर पर पीते थे या जब वो बाहर जाते। घरों में मेहमान को शरबत परोसा जाता था। 1970 के समय चाय की प्याली 25 पैसे की होती थी, तो 2 रुपए का सॉफ्ट ड्रिंक बहुत महंगा समझा जाता। फिर दूसरी भी मुश्किल आती थी, फ्रिज छोटे थे और ठंडा तो गर्म नहीं पिया जा सकता ना। फिर बोतलें वापस दो, आज के जैसी सुविधा नहीं थी तब। वैसे भी मार्केट में पहले एक कोला था, अब 4 ब्रांड की जगह थोड़ी ना थी। इसीलिए 1980 के दशक में मार्केट में कंपटीशन बड़े जोरों का था, और इनामे तो पूछो मत। मारुति डिलक्स कार, 1984 ओलंपिक खेल और डिज्नीलैंड की टिकटें, कलर टेलीविजन और वीडियो गेम। किशन मेहता जो उस समय थ्रिल चलाते थे, एक तंदूरी चिकन दूसरे तंदूरी चिकन जैसे ही होता है, वैसे ही एक कोला दूसरे कोला की तरह होता है, फर्क थोड़ा स्वाद में ला सकते हैं और विज्ञापनों में। लेकिन अपने ब्रांड को अलग दिखाने के लिए कुछ ज्यादा ही कर गए स्पेस एज ड्रिंक बुलाकर, जब असल में था वो एक मस्ती वाला ड्रिंक, और पीछे रह गए। 1984 में सिर्फ 30 से 40 लाख क्रेट बेचे पार्ले के 4 करोड़ के विपरीत। और आप तो समझ सकते हैं कि सरकार ये कंपटीशन क्या समझे, 77 के साथ कुछ किया ही नहीं और जल्द ही ताला लग गया। किस्मत ने फिर से रुख बदली जब भारत 1989 में अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले और मल्टीनेशनल कंपनियां 15 साल के बाद फिर आए। पहले लहर पेप्सी, लहर इसीलिए कि कानून के तहत उस वक्त वो सिर्फ पेप्सी शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। फिर 2 साल बाद कोक आए, जब तक ये कानून हट चुका था। कोक के पैर भारत के जमीन पर लगे ही कि वो आकर थम्स अप खरीद लिए ताकि पेप्सी से आगे निकल सके, और थम्स अप के मालिक रमेश चौहान को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो वो नामंजूर नहीं कर सके, उस समय के 60 मिलियन डॉलर। सावधान रहो, हम आपसे 10 गुना ज्यादा पैसे खर्च सकेंगे। तब तक कैंपाकोला के परिवार में अंदरूनी झगड़े चल रहे थे और वो अमरीकी दिग्गजबाजों से मुकाबला करने काबिल नहीं रहे, और वहाँ भी ताला लग गया। इन्होंने कई बार कैंपाकोला फिर चलाने की कोशिश की, आखिरी बार 2019 में भी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से कर नहीं पाए। अब 30 साल बाद मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने उसका पुनर्जन्म किया प्योर ड्रिंक्स के मालिक से ब्रांड 22 करोड़ में खरीद कर। अंबानी पुरानी यादों के सहारे कोला नहीं बेचेंगे,
1980 के दशक के लोग जो कैंपा कोला से वाकिफ थे अब ग्रीन टी पी रहे, कोला नहीं। वो जबरदस्त मार्केटिंग करेंगे उन 125 करोड़ भारतीय युवा को जिसने 600 करोड़ लीटर के सॉफ्ट ड्रिंक पिए हैं 2016 में। ये भी हो सकता है कि वो द ग्रेट इंडियन टेस्ट कैंपा के पुराने नारे के बल पर राष्ट्रवादी भावना का जायज फायदा उठाएंगे। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनके पास पहले से ही 17,225 जियो मार्ट दुकानें पड़े हैं और 15 लाख किराने जो रिलायंस से जुड़े हैं। दक्षिण भारत में ताकतवर बनने के लिए उन्होंने चेन्नई के काली एरेटेड वाटर वर्क से हाथ मिलाया जो लोकप्रिय बोवंटो सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं, और तमिलनाडु के एशियन बेवरेजेस और आंध्र और राजस्थान के जलन फूड प्रोडक्ट से भी अपने को जोड़ लिया है। पैसे भी कम किए, 200 ml के तुरंत पीने वाले पैक साइज को 10 रुपए करवाकर कैन 20 में, लेकिन जिसका मुकाबला कोक भी कर रही है। हालांकि दामों में कटौती उनके ही पार्टनर बोवंतो को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, पर उसे भी कमजोर मत समझिए, बल्कि वो भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला कोला थम्स अप को भी टक्कर देता है अपने घरेलू क्षेत्र आंध्रा में। पर प्रतिद्वंदी सो नहीं रहे, कोक और पेप्सी दोनों ने ट्रेड डिस्काउंट देना शुरू किया और प्रमोशन और लोकल मार्केटिंग भी बढ़ाई। कोक जोमैटो के प्रतिद्वंदी ड्राइव में भी हिस्सेदारी ले ली, जिसके प्लेटफॉर्म पर लिस्ट 10,000 रेस्टोरेंट है जहां वो अपना ब्रांड धकेल सकते। वैसे रिलायंस एक ऐसे टाइम में कैंपा को खरीदा जब ग्राहक सॉफ्ट ड्रिंक से दूर जा रहे, जबकि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का बाजार अब भी बढ़ रहा है, पहली वाली गति नहीं रही। मार्केट में उसका हिस्सा 81% से 70% आ गिरा है 2016 से 2021 तक। तेजी से बढ़ रहा है पैकेज पानी 13% से 23% और पैकेज जूस 6% तक उन्हीं 5 सालों में। फिर भी इसमें कमाई अच्छी है क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है, सिर्फ पानी, शक्कर और स्वाद। देखा जाए तो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने का खर्च 1.5 से 2 रुपए होता है, जो बाजार में 40 रुपए तक बेचा जा सकता। सबसे ज्यादा खर्च है विज्ञापन का, 2021 में पेप्सी और कोक इस पे कुल 924 करोड़ रुपए खर्च किए। इतने पैसे रिलायंस के लिए कुछ नहीं, और उसने पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर गेंदबाज मुथिया मुरलीधरन के सिलोन बेवरेजेस कंपनी से हाथ मिलाया, जिसके 48,000 कैन प्रति घंटे के कारखाने से अब तक वो कैंपा कोला कैंस आयात करते आए थे, मगर अब उनके साथ भारत में फैक्ट्री लगाएंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा उनको अपनी संपत्ति वरुण बेवरेजेस के समान लाने के लिए, जो पेप्सी के लिए यूएस के बाहर दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक है। पहली बार जब से वो आए भारत में 1990 के दशक में, कोक और पेप्सी को ऐसी मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि दोनों शायद कुछ नर्वस जरूर होंगे, दिखाते नहीं, नए लोगों का आने का मतलब है कि भारत में अवसर अब भी पड़े हैं। रिलायंस के पास डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत जरूर है, लेकिन बाजार में सबके लिए जगह है। कैंपा की खरीदी की रणनीति टी कृष्ण कुमार की है, जो कोको कोला से 2021 में रिलायंस आए। उन्होंने पहचान की ताकतवर लोकल ब्रांड्स की, जैसे सोसियो जो गुजरात में लोकप्रिय है, और उसमें 50% हिस्सा खरीदा ताकि उसके भी सुविधाएं उपयोग कर सके। फिर उसने लोटस चॉकलेट भी खरीदी पाई परिवार से, और श्रीलंकाई बिस्कुट ब्रांड मालिबन और अपने भी लेबल बनाए। आज तक दुनिया भर में कभी भी जब कोक या पेप्सी ने लोकप्रिय लोकल ब्रांड खरीदा है, उन्होंने तुरंत उसे मारकर बंद कर दिया ताकि केवल उनका ब्रांड कायम रहे। कोक यहाँ पर भी थम्स अप के साथ वही करना चाहा और उसका प्रमोशन करना भी रोक लिया, लेकिन वो मरा नहीं, और जितना उसे मारने की कोशिश की वो और बढ़ा। इतना कि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स का 20% हिस्सा खुद कब्जा किया पिछले साल, और अकेले $1 बिलियन का राजस्व कमाया 2021 में कोक या पेप्सी से भी ज्यादा। अब उनको और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा कैंपा कोला से, जिसके मालिक के पास भरपूर पैसा भी है।